بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ورحمني تمهاري لي تمهارا ذكر بلانتيا and we have exalted high your remembrance for yourself अल्लाह महमदुआल महमदा अज्जल फराजम बज़म वरफानाला का ज़िक्र में जिस सतरामी के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया बल्कि यूँ फ़रमाया कि बुला के जाल तो तमाम ईमान बेज़िक माइया बक एदन जाल तो का जिक्र मन खक्री फमन जखर का जखरा मैंने ईमान का मकमल होना इस बात पर मौकूफ़ कर दिया कि मेरे महबूब तेरा ज़िक्र मेरे साथ क्या जिसने तेरा ज़िक्र किया उसने मेरा ज़िक्र किया और जैसे हमने वक्फे से पहले आपने बड़ा खूबसूरत मकाम था जहाँ पे हमने वक्फा लिया कि जे जिस हस्ती को अल्लाह भी सलाम पेश करता हो मलाइका भी करते हों बिया भी ग़ुलाम हों और वो हस्ती सैदातुलस आलमी सिद्दीकबरा जी मरियम कुबरा और उमुल हससनैन करीमलम अच्छा। उम्म ज़ैनब्रा और कुलसूम सलाम अच्छा। और जोजाए मौलालीदारा रहा अमीरमिन इमाम कर्रम्हल करीम सलाम के लिए उठते हों उनको चूमते हों मोहब्बत से और फिर लोग पूछते हों कुछ मोहब्बत से पूछते हैं और कुछ हसद से जी पूछते हैं कि आप फातिमा से क्यों मोहब्बत करते हैं क्यों चूमते हैं तो मैं एक हदिया पेश किया है तो फिर इन चाहूँगा कि हम आज सैद कौन सलामल की इस्तेनत जो है जी यानी वसीला देखिए ना जो इस दुनिया में लोग हम कैटेगरी करें पहले इंसान आते हैं फिर मुसलमान आते हैं फिर ममिन आते फिर मामिन में मखसूस जो हस्तियाँ हैं आरिफ जो हैं वो आते हैं तो सैद कौनैन सलाम ला सल्वा एक झाती ग्रामी है कि जो मैं चूँकि सुनी का रह चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि जो बरेली भी सुननी है वो भी सैद कायन सलमाम के इस्तेानत के बयान ही कायल हैं लेकिन बाहर कैफ बेचारे जब चार की बात आती है तो उन्हें समझ नहीं आती कि भाई नबी जो है वो ग़ैर आदिल नहीं हुआ करते हम आज तो इस बहस में नहीं पढ़ सकते ज़िंदगी रही इंशाल्लाह आइंदा इस पे बात ज़रूर करेंगे लेकिन शहज़ादी कौन सलाम की बार गाह के लिए अर्ज किया कि कुछ इधर से फूल चुनता हूँ कुछ इधर से फूल चुनता हूँ उधर से कुछ गुलाब वाह कुछ इधर से फूल चुनता हूँ उधर, उधर से उधर से कुछ गुलाब के जिक्र की बनाता दिल को हूँ जर्री किताब और कल्ब को अनवर मनवर करता हूँ अकमल दरूद पाक से ला हाँ जी जी ना कल्ब को अनवर मनवर करता हूँ अकमल दरूद पाक से मादर हसनैन के अहमदो हैदर के दम से जी। लिखा करता हूँ अब ये दम जुमानी है जी 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 लाहौं लहमी दमों के दमी तो आ, बस ये एक आ, हवाला शादादी कौन सलामल का आ, जो मैं चाहूँगा कि अशार मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तो आपकी जो शायरी की सिनफ है जी जो वफ़ है आपका जो अभी तक आपने छुपा के रखा है आ, अपने ममिन को बताएँ कि किबला कबा हजरतम वमुसलमिन सैदीशान हैदर जैदी साहब इंडिया में सदर कौंसिल ऑफ मा जाकरीन इंडिया मुंबई भी हैं तो ये भी आपका एक अहम जिसे कहते हैं ना नारहाए नुमायों में से है ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है जी जी। तो इस पर भी इन ज़िंदगी रही अगली मुलाकात में बात करेंगे या किसी और नशस्त में रखेंगे आज तो हम मुक्मल तौर पर बारगाह है सैदाल आलमी सलाम मैं हाजरी पेश करेंगे जी। तो आपसे हम ख्वाहिश होगी मेरी कि आपके चंद अशार जो चंद नहीं जितने भी आप शहज़ादी की बारगाह में पेश करें तो आपको तहरीक देने के लिए अर्ज़ है कि फ़ातिमा की मारफत मरूफीत के ताज हैं फ़ातिमा की मरूफियत के ताज हैं अमर मारूफ पे तो मर्दिया के राज हैं अमर मारूफ पे तो मर्दिया, मर्दिया के राज हैं सितवत जहरा में अनवर फातिमी असरार हैं मैं चाहूँगा कि ये जो ना शाहज़ादी का इसमें पाक ज़हरा पे जो तीन मुख्तलिफ मकाम उस पर आप जरूर इस इस शेर की वजह से जरूर बात कीजिएगा कि सितवत ज़हरा में अनवर फातिमी असरार हैं फातिमा फितरत खुदा की और खुदा के लाज हैं तो गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद से ही सैद कौन सलामल सल्बात एक बारगाह में जो नज़म में नस्ल में तो आप हरियात पेश कर रहे हैं ज़रूर कीजिएगा लेकिन मेरी ख्वाहिश है मेरी मिन्नत होगी बल्कि कि आप सैद कौन सलाम लल्ला की इस्तेनत क्योंकि आप ख़ुद ही फरमाते हैं मैंने सुना आपको कि ये जो वायरस फैला फैलाया जा रहा है एल बैत अल की मोहब्बत और इनकी अजमत और इनकी इस्तेनत और इनके तसरफात और इनकी, इनकी अजमतों के बारे में एक कहते है ना, जी जैसे जी 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 हैं ना यानी जासूस नमाम मुसलमान जैसे हरकतें करते हैं तो जो नौजवान तबका है जो सादा लो लोग हैं उमूाँ से सवाल करते हैं तो मैं चाहूँगा बग़ैर सवाल के आप जवाब उन्हें दे दें जी सैदा की आजमत सी हाँ यकीन आजम आज़मत जनाब सै सलाम के सिलसिले में आप जब जब जैसा कि जानते ही हैं पूरी कानात इस सिलसिले में जो है बाख़बर जिन्होंने कुर मजीद को पढ़ा है बिलखसूस और पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी को देखा है तो इस बात को जानते हैं कि रसालत के वजूद में और बल्कि जो है रसालत जो जिस तरह से आगे बढ़ी है जिस तरह से उसमें सबसे बहुत ज़्यादा अहम कारमाया जनाब सैद सलाम का है बचपन से लेकर आगे जब तक रहीं उस वक्त तक उन्होंने जो है उस सिलसिले में उसके अलावा भी उसके अलावा भी आप देखें उनकी ख़िदमत में यानी आप उनकी आज़मत के सिलसिले में जब आप जानेंगे तो बस यूँ समझ लीजिए कि उनकी इस तानत को हासिल करने के लिए न सिर्फ़ ज़मीन वाले आसमान वाले भी आया करते हैं वो वो जो सितारे आसमान पे अल्लाह ने बनाए हर एक की एक चमक है हर एक जो है अपने अतबार से रोशनी देता है लेकिन वो जो जहरा जनाब सैदा के दरवाज़े पर आया था उसकी चमक कुछ और ही है कि इनकी चौखट अर्श से ऊंची इनका घर काबे से सवा इनकी चौखट अर्श से ऊंची इनका घर काबे से सवा अर्श का मजमा फर्श पे आकर सारे जहां से कहता है जहरा दरे जहरा पा आया क्या है? जाने लगा तो ये कह कर मेरी मंजिल अर्श है लेकिन नूर यहीं से मिलता है ये बार दीगर बनाइए बड़ा खूबसूरत जहरा जहरा दरे जहरा पे आया जाने लगा तो ये कहकर मेरी मंजिल अरश लेकिन नूर यहीं से मिलता क्या है बात यानी उसकी नूरानियत और अजमत और जनाब सैद जरा सलाम के अलकाब में एक बहुत मशहूर लक़ब है जहरा उसके लिए दो रवायत एक तो मदीने में और एक मदीने से पहले यानी तख्लीक के कायनत के सिलसिले में हजूर ख़ती मरतबत हज़रत अहमद मुशतबा महमद मुतफ़ा सल व फ़रमाते हैं कि खला के आलम ने हमारे नूर को अपने नूर से पैदा किया Allah. और जो हमारा नूर पैदा हुआ तो उसने कायनात को खल किया कायनात की तख्लीक का सिलसिला इस तरह है कि मेरे नूर से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा किए और मैं ज़मीन व आसमान से बेहतर हूँ मेरे नूर से पैदा हुए मेरा नूर अल्लाह का अल्लाह का नूर Allah. और मैं ज़मीन व आसमान से बेहतर हूँ फिर उसके बाद जनाब मलायन गलिमलकल गालिबलबालिस्तम आप के नूर से अल्लाह ने फिर खलाम ने आपके आपका नूर लिया तो आप के नूर से जन्नत वगैरह को पैदा गिलमान को पैदा किया और जनाब हसनैल सलाम का नूर लिया उससे कलम को पैदा किया बिलखसूस इमाम जी बिलखसूस बिलखसूस इमाम हुसैन सलामी मैं वहीं पर आता हूँ इमाम सलातम के नूर पाक से अल्लाह ने लाहौो कलम को पैदा किया लाहौक कलम जहाँ इंसानों के मुकद्दर लिखे हुए हैं और फिर नबी ने फरमाया कि ये उससे बेहतर हैं यानी इनके नूर से लाहौु कलम पैदा हुआ तो ये लाहौो ला कलम पे इनका इख्तियार है इसीलिए अगर हुसैन के दरवाजे पर आने के बाद कोई मुकद्दर बदल जाए तो ताजुब नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद जब फरिश्ते खल हो चुके ज़मीन पैदा हो चुकी आसमान पैदा हो चुके लाहौक कलम पैदा हो चुके तो मलाइका ने बारगाह इलाही में फरमाया मेरे मालिक अब ये अंधेरी है दुनिया अब इस दुनिया में रोशनी चाहिए आ, तो जनाब जहरा के नूर से अल्लाह ने कायन में नूर पैदा किया और जितना नूर पाया जाता है चाहे वो दिलों का नूर हो आँखों का नूर हो दिन का नूर हो सूरज चांद का नूर हो जितनी भी रोशनी पाई जाती नूर पाया जाता है ये सब जनाब सैद जहरा सलाम के नूर का सदका है पैगमर फरमाया इसीलिए उनका लक़ब जहरा पड़ा ये एक हदीस है दूसरी हदीस सुबह का वक्त हुआ मदीने वाले पैगम्बर की खिदमत में आया ये रोशनी कैसी है आ आ मदीने की दीवारें जो है एकदम रोशन है ये रोशनी कैसी है तो नबी ने फरमाया जनाब जहरा के दरवाजे पे जाइए जवाब मिल जाए। पता चला जनाब सैद जहरा के दरवाजे पे गए तो जनाब सैदा के चेहरे से नूर निकल रहा है नूर सफ़ेद जो है जाहिर हो रहा है ऐसा नूर सफ़ेद के सफेदी ये सुबह जो है उससे खुद जो है नूर ले रही ये नूर जो कायन में निकला तो कहा के जोहर का वक्त हुआ आधा दिन गुजर गया तो फिर दौड़ते हुए रसोल्ला नूर कैसा है ये जर्द नूर है कहा कि वो इबादत में है सुबह अल्लाह के आलम की तो पता चला जनाब सदा के चेहरे से जर्द नूर साते हुआ। शाम का वक्त हुआ तो सुर्ख नूर से हुआ जिसकी वजह से जो है उनका लकब पड़ गया जहरा रोशनी देने वाली अब ये सिर्फ दुनिया को रोशनी देने वाली नहीं है इसकी मोहब्बत बीबी की मोहब्बत नस्लों को रोशनी हाँ, देने वाली God? इनकी मोहब्बत दिलों को रोशनी देने वाली God? इनका जिक्र फिक्र को रोशनी देने वाली इनका जिक्र इंसान की फिक्र और जो फिक्र मअतर और जो है रोशन हो जाए तो फिर उसके लिए खला के आलम को पहचानना बड़ा आसान है अल्लाह की मार्फत के जरिया इनको बनाया खला आलम ने जो है ये इनकम उनको मरतबा दिया तो इनका लक़ब जहरा रखा गया और जनाब जरा सलाम की अज़मत में एक, एक शेर मुझे याद आता है बिस्मिल्लाह बल्कि वो छः मिसरे हैं उसमें से मुझे पाँच याद हैं एक मिसरा मेरा ही है वो अब मुझे इस बार तो तहरीर होता बिस्मिल्ला, तो बिनते रसूल जवज हैदर है फ़ातिमा बिनते रसूल जवजे हैदर है फ़ातिमा यानी हसन हुसैन की मादर हैं फ़ातिमा शर हैमू शुरशर है फ़ातिमा शर हैमे सुरह कौसर है फातिमा मेराज में मिले हुए गौहर का नाम है यह फ़ातिमा नबी के मुकद्दर का नाम है है माशाल्लाह माशाल्लाह पैगंबर पैगंबर इस्लाम की किस्मत और मुकद्दर का नाम जनाब फ़ातिमा जहरा है। मेरा अंदाज़ा है कि मोमिन चाह रहे होंगे कि आप इसे दोबारा जी अगर बिनते रसूल जोज हैदर है फातिमा यानी हसन हुसैन की मादर है फातिमा शर रमूज सुरह कौसर है फातिमा ये फातिमा न, ये मेराज में मिले हुए गौहर का नाम है ये फ़ातिमा नबी के मुकद्दर का नाम है क्या बात है आप अंदाज़ा लगाइए जनाब सैद ज़रा अलैहा व सिर्फ़ जनाब फ़ातिमा ज़रा के एक सिर्फ इतना ही नहीं कि पैगम्बर इस्लाम के, के मुकद्दर का ही नाम है बल्कि आप देखें जहाँ पर भी जब भी रसालत को ज़रूरत पड़ी मसला अब पैगम्बर की ज़िंदगी है इंसान की ज़िंदगी के लिए नमूनेमल है तो अमल के तौर पर कभी इंसान बेटा होता है कभी इंसान जो है हुँ. बाप होता है शौहर होता है कभी बाप होता है तो नबी की ज़िंदगी तो मर्दों के लिए नमून हो सकती हुँ। हुँ। लकत काना फिर रसोलह हसना तो नबी की ज़िंदगी में अगर उनको अमल करार दिया जाए तो मर्दों के लिए है भाई मर्द जो है बेटा हो तो क्या करे शौहर हो तो क्या करे और जब बाप बने तो क्या करे लेकिन पैगम्बर की उम्मत में एक सिंफ है सिनफ निस अब ज़रूरी था कि सिनफ नसा के लिए भी कोई ऐसी एक जात हो कि इसको जी हाँ इसीलिए पैगम्बर हमया फ़ातिमा तो हमो अभी हाँ फातिमा अपने बाप की माँ है तो जिस तरह से पैगम्बर की ज़िंदगी और उसके साथ आ, बारा आ, इमामों की ज़िंदगी वैसे ही अकेले तनहा जनाब सदा ज़रा सलाम की ज़िंदगी और अब मैं मैंने कुछ अशार कहे थे जब जनाब सैदा पैगम्बर के साथ जो है महराज की तरह वो उसके मुबाहले के लिए निकले थे पैगम्बर उस वक्त जो है कैफियत क्या थी और जब तय हो गया कि सुबह मुबाहला है तो हर एक को तो जाना नहीं था सादीन को जाना था सुबह और सदुकिन वो, वो जो कुरान की नज़र में कि जो वाकई को अगर न, क, ना हुआ हो कह दे तो हो जाए जिनको कुरान ने कहा है तो उसके बाद जो है पैगम बहर मुबाह जो हबीब ख़ुदा चले बहर मुबाह जो हबीबे खुदा चले फर्जंदों में हुसैनो हसन मुशतबा चले सुबह सुबह जहरा को ले के साथ शहे दूसरा चले जहरा को ले के साथ शहे दूसरा चले तसहील मुश को मुश्किल कुशा चले सुबह तसील मुश को मुश्किल कुशा चले देखा जो इन सबों को नसारा दहल गए मानी शिकस्त फाश तो वादों से टल गए और उसके बाद मैंने आगे कहा था इशान से चला सुए नजरान काफिला इस शान से चला सुए सुन काफिला आगे नबी के साथ हैं शब्बीर मुश्तबा सुहान और सबसे पीछे किला कुशा शाहता दो हस्ती अजीम के माबा फातिमा सुभानला सुभानला दो हस्ती अजीम के माबैन फ़ातिमा मेरा कहने का मतलब यह है कि तारीख इस्लाम के अहम वाकयात से जनाब सैदा को जुदा नहीं किया जा सकता बल्कि यहाँ मैं अगर इजाजत दें तो मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा मार्फत लेकिन उनके नालान पाक जी सलाम्ल्ला के सद के अर्ज़ करूँगा कि जुदा नहीं किया जा सकता तो और बात है बल्कि शाहज़ादी कौन सलम्ला के वजूद अतर बायस बरकत है बरकत जी जी बिल्कुल 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 सही खा जाए तो यहाँ देखिए यहाँ भी मुबाहले में अगर जरा सा भी आगे आ, है सब है सबसे पीछे किला कुशा शाह लाफतः दो हस्ती अजीम के माबैन फ़ातिमा और उसके बाद इस काफ़िले की और फजीलत निखर गई इस काफिले की और, और फजीलत निकल गई निखर, निखर गई ऊपर से झूमती हुई आयत उतर गई आहा अब देखिए उसके बाद आप देखें अंदाज़ा लगाएं मौलाए मुत्तकियान पैगंबर के बाद मेरे जी चाहते हैं कि पढूं मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कुल तआलो नदउ बनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वान फसाना वान फ तो आप, तो आप येबारा पढ़ें ताकि मुबाला की जी जीवी जी। जी। जी 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 मैंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम को जब हुक्म हुआ तो मैंने हाथ जकाफी है जाने के बाद भी जब ये लोग जो है भाई बहस करते हैं तो आप इनसे कह दीजिए कि आप अपने औरतों को बुला अपनी औरतों को बुलाते अपने बेटों को बुला अपने बेटों को बुलाते अपने नफसों को बुला अपने नफ्सों को बहाल तरतीब ये थी कि बेटों को बुलाएं औरतों को बुलाएं नफ्सों को बुलाएं इसी तरतीब से पैगंबर चले बेटों में आगे आगे हसनैन औरतों में पैगंबर के बाद जनाब सैदा इस शान से चला सुयह नजरान काफ़िला आगे नबी के साथ हैं हसनैन व मुशतबा और सबसे पीछे किला कुशा शाह लाफतः दो हस्ती अजीम के माबिन फ़ातिमा इस काफिले की और फजीलत निखर गई ऊपर से झूमती हुई आयत उतर गई इसके बाद लुत्फ है अब देखिए आने वाले ज़माने में बिलाफसल मौलया मुतकीान इमाम बेशक पैगम्बर के बाद हसन बिलकूआा इमाम हसन मुशतबाबी इमाम इन हसन बलुसैन इमामानामाओकदा इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों इमाम हैं चाहे बैठे हों चाहे खड़े हों किसी भी हालत में तो हर हालत में इमाम बचपन जवानी का मसला नहीं है बल्कि पैगम्बर इस्लाम ये नहीं किया देखा जाएगा उनकी एज क्या है ल के एतबार से आप देखेंगे तो बज़ में पैगम्बर में कभी ऐसा भी हुआ कि जनाब जब पैगम्बर की खिदमत में आए और कहा मुझे कुछ पूछना है कहा तो कि मेरा बेटा हसन शादादे इसे से पूछे क्या कहना है और जब बहुत देर तक उन्होंने गुफ्तू की एक किनारे ले जाके मस्जिद में और जब वापस आए अब कहते हैं कि जब उन्होंने गुफ्तु की तो हमने उनकी जबान नहीं समझी तो कैसे समझते तो चूंकि उनको जब पूछा पूछने के बाद पैगम्बर की खिदमत में ला के यानी उनकी एज ये थी कि पैगम्बर के जानू वो बैठे हुए थे तो पैगम्बर यानी इतनी एज में आके कहा पैगम्बर की खिदमत में जब वापस दिया तो नबी ने एक सवाल किया कि आपने पूछ लिया उन्होंने कहा जी पूछ लिया अच्छा पूछ लेना कमाल नहीं है सवाल के जवाब पर मुतमीन हो जाना भी ज़रूरी है तो नबी ने पूछा कि आप मतम हो गए तो उन्होंने कहा जी मुतमिन हो गए तो जब वो चले गए तो लोगों ने पूछा कौन थे कहा ये हज़रत खजर थे तो आने वाले ज़माने के इमाम हसन मुशतबा और इमाम हसन लेकिन जनाब सैदा बम उन ने इमत या रसालत ऐसी जगह रसूल भी नहीं इमाम भी नहीं लेकिन वो भी उनकी ज़िंदगी में यहाँ पर क्या मैंने उसको एक नजम करने की कोशिश की है कि कितना बड़ा मरतबा और क्या उनके हाथ में था कहें कि आगे तो ये सिलसिला है हसनैन और कह रहे हैं जरा पैगम्बर इस्लाम के साथ हसनैन हसनैन के पीछे यानी पैगंबर के पीछे जो है जनाब सैदा उनके पीछे मौलाए मुत्तकियान नबी का कदम उठता है फातिमा का कदम पर सलाम सलाम्लै का उनका कदम उठता है अली हाँ। का कदम या बदल दूँ रसालत के कदम पर इसमत का कदम इसमत हाँ हाँ। के कदम पर इमामत इमाम का कदम है और परदा अल्लाह ने रखा उहदा नबी के पास नबूबत कहे हुजूर उहदा नबी के पास नबूबत कहे हुजूर हसनैन तो 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 और अली से इमामत का है जहूर न फातिमा इमाम नबी साहिब शूर उनकी अदाए चाल में इतना तो है ज़रूर बढ़ जाए दो क़दम तो नबूवत का ताज हो रुक जाए एक पल तो इमामत का ताज दोबारा ही फरमाए एकदम उहदा नबी के पास नबूवत का है हुजूर हसनैन और अली से इमामत का है जहूर न फातिमा इमाम नबी साहिब शूर उनकी अदाए चाल में इतना तो है ज़रूर बढ़ जाएँ दो क़दम तो नबूवत का ताज हो रुक जाएँ एक पल तो हीत करता है वैसे अगर हम इस शायरी छठ के अगर बात करें शहज़ादी कौन है सैद कायनत मदत रसूल सलाम उल्ल स मकाम व मरतबे का अगर कोई बेवकूफ़ शख्स हो तो उसे ही समझ नहीं आएगी साहिब फहम व फरासत और मारफ़त वालों की तो खैर बात ही क्या है न जी सलमान रदील्ला तैसे जो शखास् हैं कि नबुवत भी राजी होती है तो सैयदए कोहिन सलाम वाले की राजी होने पे जी और इमामत भी, भी राजी, राजी होती थे सैयदए सलाम वाले सैयदए कोहिन सलाम वाले की और इन दोनों को मिला के जब ऊपर जाए वहदानियत अल्लाह की तरफ देखते हैं तो वो भी राजी होता है रब भी तो फातिमास जाहरा रजा पे जी ये राज इस पे जरा थोड़ा आप रोशन डालिए खलाक आलम जो है रज़ा जनाब सैद्मा के सिलसिले से, से, से। यानी आप दे, देखें कि इनकी जो आज़मत और इनकी जो अहमियत आप इनके नूर के बारे में जब देखें थोड़ा तो पीछे तो देखेंगे नूर जनाब सैद जरा जब हम ज़ारत पढ़ते हैं शब शब, शब जुमा वग़ैरह जो ज़ारत वारसा है उसमें यह कहते हैं कि इमाम सलातम को सलाम करके कि आप पाकिज़ा सलाब से पाकिज़ा रहमु से होते हुए आए जनाब सदा के लिए ये चीज़ नहीं आराम का मुक्त नहीं रखा डायरेक्ट जो है उस नूर को जो पैदा किया तो अब ये पूछे थे कि कहाँ रखा तो एक जैसे जम, जमीन पर काबा है वैसे, वैसे ही आसमान पर बैतः मामूर है तो लिखा है कि इस नूर को बैत मम में महफूज रखा सुछान में। सुछान। में। जरूरत क्या थी बैतः मामूर में महफूज रखने की देखिये दोनों अलग अलग मसले हैं काबा बनाया तो काबा उस वक्त तक काबा ना बना जब तक कि उसमें अली ना आ गए मौल मतकीान तशरीफ़ लाए, लाए। तो वो उस वहाँ अली मुर्तदा को भेजा और बहते मामूर पर वहाँ नूर जनाब सदा को रखा दोनों का जमीन पा 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 जो है ज़मीन पर काबे को अज़मत बख्शी आसमान पर जो है नूर फातिमा से तो फरिश्तों ने जब कहा मेरे मालिक तो जब हमने कुछ तेरी बारगाह में गुजारिश की इसकी वजह से हमें एहसास है कि मुमकिन है कि हमसे तरक हो गया तो ये कैसे माफ़ होगा ख़ला केालम ने कहा कि इस बैतःमामूर का तोाफ़ फरमाएँ जिसमें जनाब सैदा कनूर है जिसकी बरकत से हम आपके गुनाहों को और आपके जो है तरक अला के, के लिए हम मा, 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 माफ़ी देंगे तो सैद जहरा आसमान वालों के लिए और इमाम अली मकाम ज़मीन वालों के लिए ये ये ज़रिया बने हैं खल के आलम तक तो पहुँचने के लिए परवर आलम तक पहुँचने के लिए रज़ा इलाही हासिल करने के लिए आसमान पर उनका नाम रखा गया मर्जिया पैगम्बर फरमाते हैं उनका नाम मरदिया रज़िया मंसूरा मरजिया मुहदसा उनका लगाव है मुहदसा जिनसे फरिश्ता बात करते बात करता था फरिश्ता बात किससे करता है नबी नबी इमाम रसूल ये अलग अलग होते हैं नबी जो फरिश्ते को ख़्वाब देखे और उसकी आवाज़ सुने रसूल जिसके पास फरिश्ता आए जनाब सैदा की खिदमत में खुद फरिश्ता आता था वो एक किताब सहीफा जनाब कि जिसमें जो है एक छोटी सी छोटी चीज़ भी कयामत तक होने वाली सब मौजूद है तो आप बताएं जिसके सहीफे में सब कुछ उसके इनका अंदाजा आपने बात की मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल गया जी, जी जी आप जारी रखिएगा ये ये अहमियत जो है जी जो हो चुका है जो होने वाला है वो फरिश्ता के महोदय जनाब पैगम्बर इस्लाम की बेटी से गुफोग करता था और जनाब सदा और फिर दूसरी बात कि जनाब सैदा घर में हैं जनाब सलमान फासी पैगम्बर की खिदमत में आते हैं कहते यार रसोल्ला मैं जनाब सैदा के घर में सलाम करने गया तो मैंने देखा बीबी सो रही है लेकिन चक्की चल रही तो पैगम्बर ने कहा मालूम नहीं है वो मखदूम कायनत है फरिश्ते जबराइल फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं हसन का झूला जुला झुलाऊँ मैं सैद जहरा की खिदमत में जाऊँ हैं उसकी अजमत को भला मैं किस तरह उसकी अजमत को भला बयाँ कोई भला कैसे करे उसकी अजमत को बयाँ कोई भला कैसे करे जिसके दामन पर नुसैरी का खुदा सजदा करे अल्लाह अब अंदाज़ा लगाइए लगाई जनाब सैद जहरा की अज़मत कम से कम यही है कि वो जनाब मुत्तकियान के लिए जो है जब पैगंबर ने पूछा था मेरी बेटी को ऐसा पा का बेहतरीन साथी अल्लाह की बारि जी और अब दूसरी बात इस तानत के सिलसिले में जब आपने पूछा तो हम चलते चलते आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूँ कि चाहने वालों के लिए मानने वालों के लिए जो जनाब है सरा सलाम्ल से उल्फत रखते हैं जो उन पर अपनी जान कुर्बान करते उनके लिए जनाबे हसने इमाम मुशतबा सलम से रवायत है कि बीबी बुखार में थी और सुबह को उठी और ठंडे पानी से वज़ू किया और वज़ू करने के बाद जब मुसल्ले पर बैठी तो सब के लिए दुआ फरमाई और जब मौला ने पूछा कि मादरे ग्रामीण सब के लिए दुआ की अपने लिए कुछ नहीं तो बीबी ने कहा कि अव्वल चार बाद मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ कि जो हमारी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो जो बीबी दुनिया में जब मौजूद रही जब तक उस वक्त तक दुआओं में नहीं फरामोश किया तो आख़रत में भी हमें उम्मीद है एंच्छा कि एंच्छा उनके ही ज़रिए से आगा जैसा आगा कि वादा किया है कि मतलब हमने खुद रवायत में देखा है कि क़यामत का दिन जब होगा तो जनाब सैद जरा सलाम पारगह इलाही में आएंगी और उस वक्त जो है अल्लाह आलम की तरफ से बिलखसूस कि बीवी आप क्या चाहती हैं क्या मेरे चाहने वालों को मुझे यहाँ से चुन के ले जाना है इजाजत है तो चुन चुन के उठा के लेके ले तो एक एक को लेकर जाएंगे इख्तियारे जनाब सभी जैसे परिंदा जी जी खराब खानों से अच्छे अच्छे चुन -चुन चुन -चुन जाता है। एक को चुनेगी तो इसका मतलब ये है कि सबके चेहरे जनाब सैदा जानती होंगी सबको पहचानती होंगी और उसके बाद जो है वहां से चुके अब अब कुछ ऐसे भी ऐसे होंगे वहां के जब वो जाएंगे तो उनके चेहरे बता देंगे ये फातिमा जहरा का मानने वाला है ये किस दर से मुतमस्क है वो, वो, मैंने इसी मौजू के हिसाब से जी, एक दफ़ा शेर वो आपने सुना होगा शेरों के इंतबाब ने शायर ने कहा जी, जी, तो उस पर मैंने अर्ज़ किया था कि शेरों के इंतबाब से पाएंगे आबरू ताकि इसी पर हम अपने मोबिन से इजाज़त चाहेंगे आपके हवाले से भी कि शेरों के इंतब से पाएंगे आबरू जहरा का अदब दिल में हो और लपे गुफ्त हो शेरों के इंतखाब से पाएंगे आबरू जहरा का अदब दिल में हो और लब पे गुफ्तु गु। अनवर हों शेर नसर का मरकज अगर बतूल अनवरों शेर व नसर का मरकज मरकज अगर मैं कोशिश करता हूँ रियात लफजी से नाम जी को अनवर हों शेर नसर का मरकज अगर बतूल इज्जत अनोखी अल्लाह से मिलती है चार सू और जो आपने फरमाया सैदा कौन सलामोल का जो आपका जो अ, जहरा जो है कि इंसानियत इंसान की तारीखें मधर हैं जी शर्त इंसान होना जरूरी जी बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल और इंसानियत हो इंसान हो और उसके अंदर इंसानियत पाई जाती है इंसानियत इंसान की तारीख मधर हैं ना के इल्म सभी जहरा को अजबर हैं जी रिवायत मिलती है ना शाह ने बनाया मौला को और माँ यकून के राजों की मर्जिया है मालिक माँ यकून के राजों की मर्जिया है मर्जिया हैं मालिक, है मालिक। अनवर नूरी जलवों में जहरा ही अजहर है अनवर नूरी जलवों में, में जहरा में ही अजहर है सैद कौन है सलाम उल्लवा का मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी शादत की बात है जी और यकीन सदत आपकी तो जद्दा हैं जी जी देखें शादात की तो जद्दा हैं जी और जिन जिन सादात को ये अल्लाह ताला तरफ़ से इनाम मिलता है कि उनके जाकिर बनते हैं बन के उनकी खिताबत करते हैं उनकी अजमतों को बयान करते हैं उनके जौजे पाक के उनके पिदर ग्रामी स वालबरक उनके शहज़ादों का जिक्र करते हैं उनके आल पाक का जिक्र करते बिलखसूस इमाम ज़माना हजत जगाना अज्जल लाला तर्ज तो तो शरीफ तो की आ, यानी लेकिन आइम्मा ने भी फरमाया कि हम जमाने पर हजरत हैं जी और हमारी जद्दा जो हैं वो हमारे लिए हजरत हैं जी तो आपका शुक्रिया हिदायत टेलीविजन की जाने और मैं ना चीज़ का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जी हमारा दामन तो बस जब भरता है जब सैद कौन सला सलवा की बात होती है लेकिन इस यकीन के साथ कि ज़िंदगी रही इनशा अशरत ज़िंदगी जब तक आप यहाँ पर हैं लंदन में इन्शाला, इन्शाला। और देखिए ना आप लंदन में हैं तो जी। पूरी दुनिया में जी, जी। हमारा जो मुलाकात का सिलसिला हिदायत टेलीविजन के, टेली के तवसल से हुआ चाहूँगा कि चूँकि हमारे पास चंद लमहते हैं जी जी दुआ हो जाए जी मैं बहुत रहे बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि चीज़ को आपने याद दे 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 फरमाया दे 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 और मैं इस लाइक हुआ कि मैं कुछ आपकी खिदमत में बनवा जनाब सैदरा सलाम पेश कर सकूँ दुआ है कि जनाब सैद सला के हवाले से तमाम मुमनिन जहाँ जहाँ भी रहते हैं बिलखसूस जनाब सैदा के चाहने वाले उन सबको तमाम भला है ज़मीनी और आसमानी से परवरदिगार महफूज़ फरमा उनकी तमाम परेशानियों को मेरे मालिक दूर फरमा और जो बीमार हैं जहाँ जहाँ भी हैं सलातम के हवाले से उनकी बीमारियों को परवरदिगार दूर फरमा बेरोज़गारों को रोज़गार घरों को घर बेलाद को औलादालनायत फरमा परवरदिगार की अखबारगाम बिलखसूस दुआई है कि हमारे ज़माने की हजत को इजन जहूर अनायत फरमा हमें उनके आवामसार में शामिल होने की शहादत नसीब फरमा रब्बान तकबल मन्ना इन नही जनाब ये अल्फाज ही बहुत हैं कि हम जो कुछ पेश कर चुके हैं अल्लाह की बारगाह में सैद कौन सलाम्ल् सलमत की मोहब्बतों की न्याज़ अल्लाह उसे कबूल करे मौला मौल हमें अपनी पनाह में रख अपने महबूब सल अल्लाह तबारक सल्लम की पनाह में रख और उनकी आल पाकाम बिलखसूस सैद कौन सैद फातम बतूल सलामल के पनाह में रख ला महमद महदरफ़रज بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قر هامن تمهاريني تمهار And we have exalted high your remembrance for yourself. <laughs>